अभी भी कैदान हो गए भाई और हम लोग अभी रोजा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। चलो तो दुआ पढ़ के खजूर खाते हैं। और इसने देखो नमाज पढ़ के मेरे ऊपर दम कर रही है, जैसे हम बड़े लोग बच्चों पर दम कर देना, ये मुझ पर दम कर रही है। चलो फिर अभी जस्ट नमाज पढ़। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। यार सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक का महीना आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज है पहला रोज़ा और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। हमारी मैडम जो है वो अफ्तारी बनाने में लगी है और सिमरा मेरे को बोल रही थी पहले आप थोड़ा वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज का भी थोड़ा दिखा देते हैं। सिमरा भी आप लोगों को रमज़ान मुबारक विश कर रही है। सो आप लोग जो भी उसका मैसेज सुन रहे हैं आप भी उनको कमेंट बॉक्स में रमज़ान मुबारक बोल देना, सिमरा को और अच्छा लगेगा, है ना बेटा? और अभी इफ्तारी का आइटम रखा हुआ है, सिमरा का आईडी वगैरह है, सब सामान वगैरह पे रखा है। और ये सिमरा की ड्राइंग है, सिमरा घर में बैठे बैठे सारी चीज़ कलाकारी करते रहती है, तो बोल रही थी मुझे दिखाओ, अपने लोगों को दिखाओ। ये देखो ये सिमरा की कलाकारी है, ये सब सिमरा ने अपने हाथों से बनाया है ना बेटा? ये आप देख सकते हैं सारी सिमरा की बनाई हुई पेंटिंग्स है, उसकी ड्राइंग्स है। इसकी टीचर ने इसको स्टार भी दिए उस पर। और ये देखो फ्लावर पॉट है ना बेटा? एक कार भी है। ये देख लेते ना पहले, ये देखो इसका तो पूरा इसने बेड़ा गर्क कर दिया। और क्या है ये, क्या होने सिमरा? ये मैं हूँ। अच्छा सिमरा ये है। अच्छा छोटी बनाना भूल गई। और ये कौन है? ये तो मम्मी है। मम्मी है? हाँ। ऐसी है? अच्छा और क्या है हमारे पास? थैंक यू। और सिमरा की डॉल एक और है जो उसकी मम्मी ने उसका बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनाई है मरमेड स्टाइल में, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये आप देखो ये जो आप डॉल देख रहे हो इसका जो ड्रेस है ये सिमरा की मम्मी ने बनाई है। लेके बैठा हूँ मेरे फ्रूट्स काटने के लिए और फ्रूट्स में आज है अपने पास में वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये देखो छोटा सा मस्क मेलन है, और ये वाटरमेलन, और इसके अंदर ग्रेप्स है। तो पहले चलो इसको कटिंग करना शुरू करते हैं। आज रमजान है तो फिर हम लोग इसलिए तैयारी कर रहे हैं। सिमरा बोल रही है आज रमजान का पहला रोजा है इसलिए हम लोग इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। और अभी अजान में लगभग सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है, तो उससे पहले कि देरी हो जाए इसको काट के दस्तरखान की मेज़ पे रख देते हैं। इसी वजह से कि हमारा जो अफ्तारी किचन में बन रहा था वो भी रेडी होके आ गया है। जब पूरा फाइनल टच हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? अभी भी कैदान हो गए भाई और हम लोग अभी रोज़ा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। चलो तो दुआ पढ़ के खजूर खाते हैं पहले। चलो अभी आप लोगों से एक सारी बात मिलता हूँ क्योंकि जल्दी खा के नमाज भी जाना है, मगरिब की नमाज़ पढ़ना रहता है, तो आपसे सीधा भी अभी मैं नमाज़ पढ़ कर आया हूँ मगरिब की। और सिमरा भी उसकी मम्मी के साथ में नमाज़ ही पढ़ रही थी और इसने देखो नमाज़ पढ़ के मेरे ऊपर दम कर रही है, जैसे हम बड़े लोग बच्चों पर दम कर देना, ये मुझ पर दम कर रही है। चलो फिर अभी जस्ट नमाज़ पढ़ के आया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद में 1 घंटे में इशा का और तरावी का टाइम हो जाएगा, फिर आपको सीधा शम्स मस्जिद में दिखता हूँ। वो मस्जिद भाई कितनी बड़ी है, कितना बड़ा उसका एरिया है ना, आज मैं आपको सारे से दिखाता हूँ मैं, ठीक है? चलिए आप सीधे आपको शम्स मस्जिद में मिलता हूँ। चलो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मीरा रोड की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद, उसका नाम है अल शम्स। तो अभी मैं आपको सीधा मस्जिद में ले जाता हूँ, मैं उसी मस्जिद में तरावी भी पढ़ रहा हूँ, तो आप लोगों से अभी वो मस्जिद शेयर करता हूँ और वो मस्जिद कितनी खूबसूरत है वो दिखाता हूँ। चलो अभी सीधा मस्जिद में मिलते हैं आपको। मुझे हो गया थोड़ा लेट, 8:45 की जमात थी और अभी 8:45 ऑलमोस्ट हो गया है, तो अभी मैं चले थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा लोग ऑलरेडी बाहर मस्जिद के बाहर दिख रहे हैं, मैं आपको वहाँ का भी सीन दिखाता हूँ थोड़ा, ठीक है? ये शम्स मस्जिद का ही रोड है, मैं साइड से चल रहा हूँ, थोड़ा भीड़ से जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये शम्स मस्जिद मीरा रोड की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद है। मैं भी जाता हूँ अपनी नमाज़ अटेंड करता हूँ, तो मेरी जमात का टाइमिंग जो है वो छूट जाएगा,
आपको अभी इसका थोड़ा अंदर का सीन भी दिखा दूँ। अपनी जमात शुरू हो गई भाई, अभी आपको सीधा मैं ऊपर ही मिलता हूँ मस्जिद में, जमात के बाद बात करता हूँ। ये अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मीरा रोड की अल शम्स मस्जिद है। तो हम लोग वहाँ पे अभी तरावी की नमाज़ पढ़ रहे हैं। जस्ट हम लोग अभी ईशा की नमाज़ पढ़ के फ्री हुए थे तो मैंने सोचा वहाँ का आपको एक सीन बता देता हूँ, वहाँ पे क्या चल रहा है, कितने लोग आए वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं इस मस्जिद में। एक बार में कम से कम 2500 से 3000 लोग आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसमें ग्राउंड लेवल है, फर्स्ट लेवल है और टेरेस भी है। तो वहाँ पे टोटल इंक्लूडिंग मिला के 2500 के आसपास में आप आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर। ये हम लोगों की तरावी की नमाज़ अभी हो गई है और अभी हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इस मस्जिद का एक पार्ट मैं आपको बताऊं जो बहुत मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पर ना सेंट्रलाइज एसी लगाया हुआ है जो कि नमाजियों के लिए यार मतलब वहाँ पर इस गर्मी में कुछ तकलीफ़ ना हो नमाजियों को, उस वजह से उसको लगाया हुआ है, सेंट्रलाइज एसी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा वहाँ पर शेड वगैरह लगाया हुआ है और बहुत अच्छे से वहाँ पर इंटीरियर मस्जिद का, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और नमाजियों को भी वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाइट है वहाँ पर मस्जिद का, क्योंकि अराउंड 30-35 फीट की हाइट है वहाँ की मस्जिद की। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये है मस्जिद का। बाहर से मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ, बाहर से मस्जिद कैसी दिखती है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मस्जिद है, कितनी अच्छी लाइटिंग लगाई हुई है वहाँ पर और कितने ज़्यादा लोग अभी भी बाहर निकल ही रहे हैं। और आप ये देखिए उस्मान सुलेमान मिठाई वाला जो मुंबई में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है मिठाई वाला, मैंने सोचा वो भी उसका भी आपको क्लिप दिखाता हूँ। और अब देखो ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सारे नमाजी दिखेंगे। इतनी ज़्यादा पब्लिक आई हो यहाँ पर तरावी पढ़ने के लिए और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। चलो घर पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं अभी क्या चल रहा है। मैं अभी नमाज़ पढ़ के आ रहा था तो सिमरा उसकी मम्मी के साथ बाहर घूमने निकली थी, मैं बोला चलो इसको भी लेके चलता हूँ साथ में। हम लोग रैबिट खाएंगे। रैबिट क्या होता है सिमरा? रैबिट नहीं था वो, बताता हूँ क्या था। ठीक है चलो अभी घर चलते हैं, खाना खाते हैं और सिमरा के साथ थोड़ा मस्ती करते हैं ना बेटा। मस्ती नहीं, टेडी बेयर के साथ में वीडियो बनाएंगे। चलो देखते हैं वो भी करते हैं। ठीक है सर, रमज़ान के पहले रोजे का एंड हो चुका है, हमने सहरी कर ली, तरावी पढ़ ली, आज का इफ्तार हो गया। आज का वीडियो का मैंने एंड नहीं किया था तो मैंने सोचा यहाँ एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शम्स मस्जिद का पूरा टूर आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।